स्वास्थ्य और आयुर्वेद चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो पौधा दिखा रहा हूँ, ये कड़ी पत्ता, मीठी नीम, कैडर, सुरभि नीम आदि नामों से जाना जाता है। ये तीव्र गंध वाला एक छोटा सा वृक्ष होता है। इसके पत्ते संयुक्त अंडाकार आड़ीदार किनारों वाले होते हैं। पुष्प छोटे से सफ़ेद होते हैं। इनके फल गोल और गुच्छों में होते हैं, जो ये दिख रहे हैं इस तरीके से होते हैं। इनके रासायनिक संगठन इस प्रकार होते हैं, कैडिनाइन, कोइनिम, कोरियोकाइलिन, डायपेंटीन, पेनिन, फेलेंड्रीन, सेबिनिन, कैबिराल, आइसोसेफराल, टर्पेनियाल और बहुत सारे रासायनिक संगठन इसमें पाए जाते हैं। इसका उपयोग दस्त में, बवासीर में, त्वचा पर होने वाले फोड़े फुंसी, गुर्दों के सूजन में, उल्टी बंद कराने के लिए, सर्पदंश में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी विषैला जंतु अगर काट ले तो उसमें इसके छाल का लेप लगाने से आराम मिलता है। दस्त में इनके पत्तों का सुरस पीने से लाभ होता है। उल्टी में इनके पत्तों का फाट पिलाने से लाभ होता है। गुर्दे की सूजन में इनके मूल की रस थोड़ी मात्रा में पिलाने से लाभ होता है। त्वचा पर अगर कट जाए, खरोच लग जाए तो इनके पत्तों को पीसकर उनके ऊपर लेप कर देना चाहिए। इससे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। इनके पत्तों का प्रयोग मसाले के रूप में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ये खाने में अलग स्वाद और सुगंध छोड़ते हैं। इससे खाना और भी टेस्टी हो जाता है। इस पौधे के बारे में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल वाले बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।